ठीक प्रणाम होता है धर्मो गमे ठीक वही प्रणाम होता है धर्म लाभ में नहीं। जब तक एक खास बात ये होती है तो फिजिक्स में जो नीट पढ़ते हो केमिस्ट्री में धर्म डायनेमिक्स पढ़ते हो तो कॉमन कॉमन होने की वजह से आपके पेपर कम से कम हम मान के चलते हैं चार पांच क्वेश्चन तो ये हमेशा आते हैं पेपर के अंदर सत्ता को कुछ क्वेश्चन फिजिक्स सेक्शन में हो सकता है दूसरे क्वेश्चन केमिस्ट्री सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले हमको धर्मो केमिस्ट्री को पढ़ना किसी को एनर्जेटिक्स भी करेंगे इस धर्मो केमिस्ट्री में सुना होता है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने में जो एक चेंजेस होते हैं उसी की स्टडी को धर्मो केमिस्ट्री कहते हैं कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो हीट के चेंजेस होते हैं उस स्टडी को हम धर्मो केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया जब कोई रिएक्शन को इस तरह से लिखा जाता है इसका मतलब होता है सिस्टम से हीट निकली और आगे सराउंडिंग के बाद जिस रिएक्शन को पढ़ रहे होते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं और रिएक्शन के बाहर जितनी चीजें होती हैं उन सबको सराउंडिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सिस्टम से हीट निकली सराउंडिंग के बाद में तब उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। जब रिएक्शन को ये पढ़ते हैं इसका मतलब होता है सिस्टम सराउंडिंग से ही कंज्यूम करता तब उस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब उनको जो रिएक्शन में हीट का चेंज हो रहा होता है उसको नाम देते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में जो भी हीट का चेंज हो रहा होता है उसको नाम देते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। उसको दो कंडीशन में पढ़ा जाता है एक पढ़ा जाता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन एक पढ़ा जाता है वैल्यू कंडीशन। जब किसी रिएक्शन को कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन में पढ़ते हैं तब उसके हीट चेंज को हम डेल्टा एच से बताते हैं और जो डेल्टा एच होता है उसको क्या कहते हैं चेंज ऑफ एंथैल्पी। जब किसी रिएक्शन को कॉन्स्टेंट वैल्यू कंडीशन में पढ़ते हैं तब उसके हीट चेंज को डेल्टा ई या डेल्टा जिसको क्या कहते हैं चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये जो डेल्टा एच होता है वो बताता है रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन किस कंडीशन में कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन। डेल्टा ई या डेल्टा यू ये की बात होती है वो बताता है उस रिएक्शन का हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वैल्यू कंडीशन। जब हम कहते जब रिएक्शन को ये लिखते तो इसका मतलब होता है इसका डेल्टा एच या ए रिएक्शन को ये लिख रहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच या डेल्टा ई को उसके साइन को निगेटिव को क्यों निगेटिव को क्योंकि जैसे हम डेल्टा एच बोल रहे हैं वो होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में हीट निकली रिएक्शन में हीट निकली है तो हीट एनर्जी रिएक्शन के साथ है तो प्रोडक्ट बेटा एनर्जी मतलब होती है इतना नहीं मालूम हीट निकली है हीट एनर्जी रिएक्शन के साथ होती है प्रोडक्ट के होगा हीट निकल रही है हीट एनर्जी रिएक्शन के साथ है प्रोडक्ट कितने का है रिएक्शन कितने का प्रोडक्ट हीट निकली हीट एनर्जी तो होती है इसकी एनर्जी का रिएक्टेंट के प्रोडक्ट इसलिए देखते हैं इसका मतलब जो एंथैल्पी होती है वो इसी का हीट एनर्जी बताता है तो हीट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं हीट एनर्जी भी बोलते इसकी हीट एनर्जी जाता है रिएक्शन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट रिएक्टेंट की और रिएक्टेंट की हीट एनर्जी ज्यादा है तो उसका हीट कॉन्स्टेंट हीट एंथैल्पी ज्यादा होगी ये साइन कैसा बन जाएगा इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तब डेल्टा एच या डेल्टा ई की वैल्यू निगेटिव होती है रिएक्शन एंडोथर्मिक होती तब डेल्टा एच या डेल्टा ई क्या बोलते हैं पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव बोलते
இத்தன் ஜீவ் கறி இத்தன் ஜீவ் கறிக்கு जब कहते हैं कि एक्सो तो देखते हैं कि एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्टी कम है जिसके कारण निकलती है डेल्टा की वैल्यू देखते हैं जब एक्सो परमिट होते हैं तब प्रोडक्टिविटी का एनर्जी रेटेंट ज्यादा होती है इसीलिए डेल्टा एच या डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होती है।